हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्मोल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लंबाई देख लीजिए, मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। 2.5 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ करके यहाँ से राउंड नेक की मार्किंग कर दिए हैं। अब 4 इंच की लंबाई पे हम एक मार्क करेंगे और नीचे के साइड वहीं से लेते हुए 4 इंच की लंबाई पर एक और मार्क कर देंगे। तो यहाँ से जैसे मार्क की इसको बराबर में ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब 4 इंच के बराबर में ये रखेंगे और 2 इंच के देखिए मिड में बिल्कुल मार्क करेंगे। तो 2 इंच पे देखिए यहाँ से भी मिड में मार्क कर देंगे। अब डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन का मार्क की हूँ। इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो मैंने गले की जैसे मार्किंग किया था सेम उसी तरीके से कटिंग कर दिया है। अब ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसके भी गले की सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो मैंने गले की बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दिया है, देख लीजिए। अब इन दोनों को बिल्कुल बराबर में रख देंगे। अब गले को बिल्कुल बराबर करते एक सिलाई लगा के पूरे गले की अच्छे से स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने देखिए गले की पूरी स्टिचिंग कर दी है। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारा जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा जैसे हमने इसको कटिंग करके स्टिचिंग किया है। तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे पलट कर सीधा करें। इस तरीके से हम पूरा अच्छे से इस ब्लाउज़ को पलट कर सीधा कर देते हैं। तो मैंने ब्लाउज़ को देखिए पलट कर सीधा कर दिया। अब एक सिलाई लगा के गले की हम पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने देखी गले की पूरी कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज़ की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर दिया है। अब नीचे के साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से हम दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर देंगे। ये दोनों साइड से ट्रक स्टिच हो चुका है। नीचे के साइड के फैब्रिक को हम देखिए ले लिए हैं। अब ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते इसकी हम पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए। तो नीचे के साइड से ब्लाउज़ के देखिए पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। मेरा ब्लाउज़ पूरा स्टिच हो चुका है। इसके गले पे हम लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो लेस ले लेते हैं और गले को डेकोरेट करेंगे लेस से। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे लेस की स्टिचिंग करें, ऐसे कर दीजिएगा।
तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से बराबर करते हुए डिज़ाइन भी पूरा लेस की स्टिचिंग कर दिया है गले पे। अब इसमें एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन करना है वो करेंगे। तो मैंने ये कुछ फैब्रिक लिए हैं, इनको हम बिल्कुल राउंड में कटिंग करेंगे। तो पहले बीच से पिनअप कर दीजिएगा, इससे हमारा जो राउंड है बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। और कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए जो बिल्कुल राउंड में, उससे मार्किंग कर देंगे। तो इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर रखते हुए देखिए साइड से मैं मार्क कर रही हूँ, ऐसे मार्क कर दीजिएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जैसे मार्क किए सेम मार्क पे से हम कटिंग कर लेंगे राउंड में इसकी। तो मैंने इसको बिल्कुल राउंड में कटिंग कर दिया है। अब मिड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको कट करके अलग अलग पार्ट में कर देंगे। ये मैंने कट करके अलग अलग पार्ट में इसको कर दिया, ये देख लीजिए। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा आप वीडियो में देख लीजिए। तो मैंने ये दो ले लिए हैं, अब इसके ऊपर हम लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो लेस ले लेते हैं और इसके साइड से, जिस साइड से देखिए राउंड में उसी साइड से हम लेस की स्टिचिंग कर रहे हैं। इस तरीके से जिस साइड से राउंड हो आप भी उसी साइड से स्टिचिंग कीजिएगा। ये मेरा देखिए कम्प्लीटली बन चुका है। इस तरीके से हम दूसरा वाला भी लेस ले लेंगे और उसके जिस साइड से राउंड है उसी साइड से हम लेस को रखते हुए पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से इसको डिज़ाइन कर लिया है लेस की स्टिचिंग करते हुए। अब डोरी लेंगे और डोरी के साथ में ये फ्लावर जो हमने बनाया है इसको पूरा स्टिच कर देंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से बराबर करते हुए डोरी को फ्लावर के साथ में स्टिचिंग कर दीजिएगा। ये मेरा एक कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है, ऐसे दूसरा भी कर देंगे। मैंने दोनों को अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया। ये मेरे फ्लावर देखिए दोनों कम्प्लीटली स्टिच हो चुके हैं। अब इनको हम कट करके अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। ये मेरा फ्लावर बन चुका है, इसको साइड करेंगे। और मैंने ब्लाउज़ ले लिया, ब्लाउज़ का देखिए जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ से हम ये डोरियों को स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने चार डोरी बनाई हुई है। तो चारों डोरियों को लेते हुए देखिए कॉर्नर वाले पार्ट में बिल्कुल बराबर में स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने स्टिचिंग कर दिया है डोरियों को, अब यहाँ से इसको हम बांध लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने डोरियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध लिया। इस तरीके से बांध दीजिएगा डोरियों को। मेरी ये डिज़ाइन जो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।